हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम। कैसे हैं आप सब? आज फिर वीडियो की शुरुआत उसी बात से करूंगी कि दोस्तों, अपने घरों में रहिए। आप जहां हैं प्लीज़ वहीं रहिए। हाँ, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, पर गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोशिश कर रही है कि लोगों तक सुविधाएँ पहुँचा सके। पर प्लीज़ प्लीज़ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, एक जगह ए अपने घरों में रहिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। नया कुछ क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में फिर प्रैक्टिस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, एक्चुअली आज के सारे क्वेश्चन ही एलसीएम से हैं, एलसीएम से और एचसीएफ से, लघुत्तम समाबद्ध और महत्तम समाबद्ध। पहला क्वेश्चन है, गिवन है 12 पावर ऑफ 2, 12 पावर ऑफ 4, 12 पावर ऑफ 10, 12 पावर ऑफ 6 का लासापा लघुत्तम समावर्त क्या होगा, एलसीएम। ठीक है, तो देखिए, एलसीएम के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप पावर अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, ठीक है, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट पावर है, सबसे बड़ी पावर किसी भी इस पावर वाले का एलसीएम क्या होगा, जो सबसे बड़ी पावर है वो होगा। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 12 पावर ऑफ 2 है, 12 पावर ऑफ 4 है, 12 पावर ऑफ 10 है, 6 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पे, 12 पावर ऑफ 10, 12 पर 10 की घात। तो राइट आंसर क्या होगा, 12 पावर ऑफ 10। इसको आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, जो बिगेस्ट पावर है, सबसे ज़्यादा हाइएस्ट पावर है, वही इसका एलसीएम होगा, राइट, 12 पावर ऑफ 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 7776 है और उनका लघुत्तम समावर्त 216 है, 216 है, तो महत्तम समावर्त क्या होगा, एलसीएम गिवन है और मल्टीप्लिकेशन के बने, कोई भी दो नंबर का। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल 7776 होगा किसके, लघुत्तम समावर्त गुणित महत्तम समावर्त, राइट। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास क्या है, गुणनफल गिवन है 7776 और एलसीएम गिवन है 216, 216, और फाइंड आउट क्या करना है, महत्तम समावर्त। ठीक है, तो अब कर देते हैं, 776 अपॉन 216 इज इक्वल टू महत्तम समावर्त होगा। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हम कहीं ना कहीं आंसर से भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ लास्ट में क्या है, ये यूनिट डिजिट 6 है और ये भी 6 है, राइट। तो ना देखिए, बात को ध्यान से समझिए, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, जब आप खुद अप्लाई करोगे तब ये बात आपको समझ में आएगी। 6 को मैं क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 ही आएगा, ठीक है, एक तो 1, 6 बन जाए 6। तो हमारे यहाँ देखिए, किसी भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 नहीं है, राइट। अब दूसरी चीज, 6, 6 जा 36 होता है ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक 6 है और एक 36 है, जिसकी यूनिट डिजिट में 36 आएगा। हमें क्या चाहिए यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर 6 चाहिए। तो 6 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तब यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 6 आएगा। 216 में कौन से नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे कि यूनिट प्लेस पर 6 आएगा, 6 का, 36 बनकर का या फिर 6 का। अब देखिए, हमारे ऑप्शन में 1 नहीं है, 6 है, और अब 6 के हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, एक 36 भी और एक 6 भी। अब क्या करेंगे, 6 या 36, तो 36 हो सकता है, क्यों, 6 नहीं हो सकता, या यूं कहना चाहिए 6 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना है, देखिए अगर आप 6 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितने डिजिट आएंगी,
कर लेते हैं, 6 6 36, 6 1 6 और 3 9 और 6 2 12, ये आंसर नहीं आ रहा है, 1296, ठीक है। अब 36, ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन और कर लेते हैं हम यहीं के ही, तो 3 6 18, 3 1 3 and 1 4, 3 2 6, आंसर क्या आएगा देखिए, 6 7 7 7, यही आ रहा है, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 36, ठीक है। आप सिंपली इसको डिवाइड भी कर सकते हो, पर डिवाइड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, मल्टीप्लिकेशन आप इजीली कर लेते हैं जल्दी से। डिवाइड करेंगे तो इसको 2 से क्रॉस करिए, या फिर इनका वो मात्रम समर्थ फाइंड करके और फिर उससे दोनों को डिवाइड करिए, राइट। तो हमारा राइट आंसर हमें मिल गया, राइट आंसर इज 36। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है सरलतम रूप फाइंड करना है, एक भिन्न दी है हमें जिसका सरलतम रूप हमें फाइंड आउट करना है। दो एक नंबर है 1073 और अपॉन 1247, 1273/1247, हमें क्या फाइंड आउट करना है इसका सरलतम रूप। ऑप्शन है हमारे पास 31/37, 37/43, 29/31, 15/19। चलिए देख लेते हैं क्या करना है हमें, इनका महत्तम सामर्थ फाइंड आउट करना है। महत्तम सामर्थ फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन मेथड से करते हैं, क्या करेंगे 73 से 1247 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम 1073, ठीक है। क्या रिमेनिंग बचेगा, 471। इस 1 7 4 से क्या डिवाइड करना है, अगर आपको ये मेथड नहीं आती तो महत्तम सामर्थ का वीडियो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको खोल कर देखिए, मैंने इस मेथड को वहाँ पे डिस्क्राइब करा हुआ है। चलिए देखते हैं आगे, 1073 यहाँ पे कितने टाइम्स रहेगा, 1073 में कितने टाइम्स रहेगा, ये देखिए 5, अगर हम यहाँ पे 5 करते हैं, 5 से ज़्यादा, ठीक है, तो 8 सा करते हैं, 8 174 × 8, सो 8 नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा ये। चलिए डिवाइड करते हैं, 6 4 = 24, 6 7 = 44 and 244, 6 1 = 6 and 10 144, 6 टाइम, ठीक है। रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमेनिंग अब बचेगा यहाँ पे 29 29 29, से किसको डिवाइड करना है, 174 को, ठीक है। अब ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 174 29, सो इट 6 क्रॉस 6 बार, ठीक है। देखिए अब इसका एलसीएम क्या होगा, 1073 और 1247 का एलसीएम होगा 29, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब 1073 को 29 से डिवाइड करना है और 1274 को भी 29 से डिवाइड करना है, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन में होगा, लेकिन अब पूरा डिवाइड ना करके हम क्या कर सकते हैं, वही जो हमने इस क्वेश्चन में करा था, यहाँ पर क्या है 9 और यहाँ पर 3, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं हम क्या, 1073 को डिवाइड कर रहे हैं 29 से, यानी अच्छा ये हम मैं क्यों, देखिए एक रूल होता है कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर, तो क्वेशेंट अगर रिमाइंडर 0 है यहाँ पे, ठीक है, ठीक,
तो ये आपका जो डिविडेंट है यानी 1073 इज इक्वल टू क्या होगा 29 और एक नंबर जो हमें आंसर आने वाला है उसका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1073 होगा। ऐसे 1247 29 गुणित वो जो एक नंबर जो हम डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर आएगा उस उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये नंबर होगा। तो हम इसको उल्टा सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है 9 और यहाँ पर 3, यानी ये नंबर और जो ये अननोन नंबर है उसकी जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे भी जो यूनिट डिजिट आएगी उसका मल्टीप्लिकेशन में 3 आना चाहिए, यूनिट डिजिट में 3 आना चाहिए। तो क्या आपको ऐसे कोई नंबर दिख रहा है? देखिए अगर आप 9 को 1 से करोगे तो 9 आएगा, सो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर आप 9 को 7 से करोगे तो क्या आएगा, 9 7 = 63, यस यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। ठीक है, अब बाकी भी चेक कर लेते हैं। 9 को 9 से करोगे 1 आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर आप 9 को 5 से करोगे तो 9 5 = 45, यूनिट प्लेस पर 5 आएगा। बात समझ रहे हैं ना आप, यूनिट प्लेस पर, पूरा नहीं 45 नहीं, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 5 आएगा। तो ये आपके तीन ऑप्शन पहले ही क्रॉस हो गए, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास बचा है। नीचे का भी हम चेक कर लेते हैं इसी से। यहाँ पे क्या हमें यूनिट प्लेस पर क्या चाहिए 7, तो 9 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 = 27 यूनिट प्लेस पर 7 आएगा, यस आएगा। तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा, राइट। देखिए जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना तो ये ट्रिक्स आपको समझ में आएगी किस तरीके से ऑप्शन से कैसे आंसर निकाले जाते हैं। आप पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, इस टाइम टेकिंग, और जो कॉम्पिटिटिव होते हैं उसमें एक्यूरेसी विथ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको बीच समझ में नहीं आया तो आप सिंपली इसको डिवाइड करके करिए, मैं कुछ और क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से हम ये ऑप्शन से आंसर्स निकालते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस को लेके, तब तक गुड बाय, स्टे सेफ, बाय।